तो बैक टू बैक आप लोगों को हर दिन एक नई वीडियो मिल जाती है, वो भी एक नए टॉपिक के साथ में, जैसे कि सर्वाइवल गेम्स, हॉरर गेम्स, ओपन वर्ल्ड गेम्स एंड मल्टीप्लेयर गेम्स। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। तो कल वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि स्कूल का थोड़ा बहुत काम था एंड आज काम कंप्लीट हो चुका है तो वीडियो यहाँ पर आ गई है। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स एंड जिस फोन के अंदर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उसी फोन में ये वाले गेम्स एकदम बढ़िया ढंग से चलने वाले हैं। तो आज आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलूंगा, मन है तो करो एंड मन नहीं है तो भी कर ही लेना क्योंकि सब्सक्राइब करना तो एकदम फ्री है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वाली वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, टाइम आ चुका है एक मस्त वाले क्वेश्चन का कि आप कितने साइज वाले गेम को डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन में खेल सकते हो। ऑप्शन ए होगा अंडर 100 MB, ऑप्शन बी होगा अंडर 500 MB, ऑप्शन सी होगा 2 GB या फिर ऑप्शन डी है 10 GB। तो कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि मेरे लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली जाओ एंड कमेंट करो। तो यहाँ पर अपनी ओपन वर्ल्ड सीरीज को स्टार्ट करते हैं गेम नंबर 1 से। गेम का नाम है पेट्रोल हेड, डाउनलोडिंग साइज होगा 1.3 GB एंड ये वाला गेम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में चलता है। ये एक मल्टीप्लेयर कार सिमुलेशन गेम है जिसमें आप लोग को काफी मस्त ग्राफिक्स देखने को मिलेगी एंड आप लोग को रियलिस्टिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है। अब ये एक कार सिमुलेशन गेम है तो आप लोग को कई सारी लेजेंडरी कार्स देखने को मिलेगी जिन्हें कि आप लोग पूरी तरह से डिटेल कस्टमाइज कर सकते हो। आपको गेम में कई सारे मोड्स एंड मिशन देखने को मिलेंगे जिन्हें कि आप लोग कंप्लीट करना होता है एंड मिशन को कंप्लीट करने में आप लोग को काफी ज्यादा मजा आएगा। इस वाले गेम में आप लोग को डिफरेंट लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अगर आप लोग किसी बाहर कंट्री से इस वाले गेम को खेलते हो तो भी आप लोग को खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एंड ये वाला गेम आप लोग को कहीं ना कहीं एज पर 9 लेजेंड की याद दिला देगा। इस शानदार से गेम को डेवलप करा है लेथे स्टूडियोस ने एंड इस वाले गेम के प्ले स्टोर के ऊपर 5 मिलियन प्लस डाउनलोड एंड उसको 4.3 की रेटिंग मिली हुई है आउट ऑफ 5 में से। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस गेम के साथ में रहा है वो काफी अच्छा है, तो आप लोग इस वाले गेम को जरूर से चेकआउट करना, आपको ये गेम डेफिनेटली पसंद आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ जाते हैं अपनी सीरीज में आगे एंड अब मैं आप लोग को बताता हूँ ओपन वर्ल्ड सीरीज का गेम नंबर 2। गेम का नाम है मोटो सिटी, डाउनलोडिंग साइज होगा 140 MB एंड ये वाला गेम भी पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा जिसमें आपको अपनी बाइक लेकर पार्सल को डिलीवर करना होता है। इस वाले गेम में आप लोग को काफी ब्यूटीफुल एंड कार्टूनिश टाइप की ग्राफिक्स देखने को मिलेगी एंड इस वाले गेम को आप लोग अपने फ्रेंड के साथ में भी मल्टीप्लेयर खेल सकते हो क्योंकि एक मल्टीप्लेयर गेम है। गेम में आप लोग को काफी बड़ा मैप देखने को मिलेगा जिसे कि आप लोग को एक्सप्लोर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इतने ज्यादा पार्सल करते रहोगे कि आप लोग पूरी सिटी को एक्सप्लोर भी कर लोगे एंड आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। डिलीवर के दौरान आप लोग गेम में काफी ज्यादा फन कर सकते हो जैसे कि बाइक से स्टंट करना, अपनी बाइक को अलग अलग रैंप के ऊपर चढ़ाना। फिलहाल तो आपको इस गेम में 4 बाइक्स देखने को मिलेगी एंड हो सकता है कि गेम के अंदर अपडेट के साथ में कई सारी बाइक्स और ऐड कर दी जाए। इस वाले गेम के डेवलपर से आरआरआर गेम्स एंड प्ले स्टोर के ऊपर इस गेम के 1 लाख प्लस डाउनलोड एंड इसको 4.1 की रेटिंग मिली हुई आउट ऑफ 5 में से। तो ये काफी नॉर्मल सा एंड डिसेंट सा गेम है, अगर आपको ये गेम चेकआउट करना है तो आप लोग कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं अपनी सीरीज में आगे एंड अब मैं आप लोग को बताता हूँ ओपन वर्ल्ड सीरीज का गेम नंबर 3। गेम का नाम है अनडॉन, ये वाला गेम पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा एंड डाउनलोडिंग साइज होने वाला है 1.3 GB। तो इस वाले गेम का वेट लोग काफी दिनों से कर रहे हैं, तो इस वाले गेम के बारे में आप लोगों को काफी कुछ बढ़िया डिटेल्स यहाँ पर बता देता हूँ। ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है जिसमें आप लोगों को काफी बड़ा मैप देखने को मिलेगा। इस गेम को आप लोग अपने फ्रेंड के साथ में भी इंजॉय कर सकते हो एंड इस वाले सर्वाइवल गेम को अपने फ्रेंड के साथ में मल्टीप्लेयर खेलने में आप लोगों को एक अलग ही हटका एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एंड आप लोग अपने दोस्तों के साथ में ज़ॉम्बी सर्वाइव भी करोगे। ये वाला गेम टैप टैप स्टोर के ऊपर प्री रजिस्टर के लिए बहुत पहले से अवेलेबल है, तो जिसने भी प्री रजिस्टर नहीं करा वो जाकर कर सकते हैं। इस वाले गेम में आप लोग को बाइक्स एंड एक्सपेंसिव कार्स ड्राइव करने को मिल जाएगी। टैप टैप स्टोर के ऊपर इस वाले गेम की 6.7 रेटिंग है आउट ऑफ 10 में से। डेवलपर है टेंसेंट गेम्स। ये वाला गेम लास्ट ईयर ही लॉन्च हो जाना चाहिए था, शायद से इस वाले गेम के डेवलपर से टेंसेंट, इसलिए ये वाला गेम इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। आपका इस गेम के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ जाते हैं अपनी सीरीज में आगे एंड अब मैं आप लोग को बताता हूँ ओपन वर्ल्ड सीरीज का गेम नंबर 4। गेम का नाम है स्क्वेरल सिमुलेटर 2, डाउनलोडिंग साइज होगा 67 MB। तो 100 MB का ये वाला गेम आप लोग को काफी अच्छा देखने को मिलेगा। ये एक स्क्वेरल लाइफ सिमुलेशन गेम है, ग्राफिक्स आप लोग को डिसेंट लेवल की देखने को मिलेगी। इस वाले गेम में आप लोग पेड़ों के ऊपर चढ़ सकते हो, वहां से उड़ सकते हो एंड आप लोग अपने होम को भी यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो।
इस वाले गेम में आप लोग को स्क्विरल के कई सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, मीडियम साइज का मैप देखने को मिलता है, कंट्रोल्स भी काफी हद तक इजी रखे गए हैं। तो जिनको भी लाइफ सिमुलेशन वाले गेम पसंद आते हैं तो उन्हें ये वाला गेम जरूर से चेकआउट करना चाहिए। एंड ये वाला गेम आपकी लो एंड डिवाइस में भी इजीली चल जाएगा क्योंकि गेम का डाउनलोडिंग साइज अंडर 100 MB होगा। इस वाले गेम के डेवलपर से एवरलॉग एंड इस गेम के प्ले स्टोर के ऊपर 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स तो 4.2 की रेटिंग मिली हुई आउट ऑफ 5 में से। तो लोगों को ये वाला गेम काफी पसंद है एंड आई होप कि आपको भी ये गेम काफी अच्छा लगेगा। ऑल एट गेस, तो यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके अपनी सीरीज के 5th गेम पे, यानी कि अपनी ओपन वर्ल्ड सीरीज का गेम नंबर 5। गेम का नाम है वाइस, ऑनलाइन डाउनलोडिंग साइज होगा 281 MB। तो ये भी एक ओपन वर्ल्ड मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें आप लोग रियल लोगों को अपना फ्रेंड बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाला गेम GTA का एक काफी अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है एंड हो क्या सकता है, ये वाला गेम सही में काफी ज्यादा अच्छा है। इस वाले गेम में आप लोग को US की रियल सिटीज देखने को मिलेगी जैसे कि मियामी, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क। इस वाले गेम में आप लोग को काफी सारे व्हीकल्स ड्राइव करने को मिल जाएंगे। आपको इस गेम में बढ़िया बढ़िया लोकेशंस भी मिलेगी जैसे कि मेट्रोपोलिस, डेजर्ट, बीच, एयरपोर्ट्स, ड्रिफ्ट ट्रैक्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। आप लोग यहां पर अपनी कार को फुल्ली कस्टमाइज कर सकती हो एंड आप लोग अपना खुद का कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो एंड आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसे पूरी तरह से स्टाइल दे सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो ये काफी अच्छा मल्टीप्लेयर ओपन वर्ल्ड गेम है। अगर आपको एक GTA जैसा गेम चाहिए तो आप लोग को डेफिनेटली इस वाले गेम को चेकआउट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को 5 के 5 ओपन वर्ल्ड गेम बता दिए हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड ऐसी वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इस लिस्ट में से किसी भी गेम को डाउनलोड करना है तो सभी गेम्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप लोग वहां से जाकर गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग इन गेम्स को एंजॉय करो। मैं आपसे किसी ऐसे अमेजिंग वीडियो में दोबारा मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।